इन बातों के पश्चात मसीह यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलम गए। यरूशलम में भेड़ फाटक के पास एक जलाशय है जो इब्री भाषा में बेथज़ादा कहलाता है और जिसके 5 ओसारे हैं। उसके किनारे अंधे, अपंग और लकवे के अनेक रोगी पड़े रहते थे जो जल के हिलने की प्रतीक्षा किया करते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि परमेश्वर का स्वर्ग दूत यदा कदा वहां आकर जल हिलाया करता था। जल हिलते ही जो व्यक्ति उसमें सबसे पहले उतरता था स्वस्थ हो जाता था। इनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो 38 वर्ष से रोगी था। मसीह यीशु ने उसे वहां पड़े हुए देख और ये मालूम होने पर कि वो वहां बहुत समय से पड़ा हुआ है, उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, श्रीमन, ऐसा कोई नहीं जो जल के हिलने पर मुझे जलाशय में उतारे। मेरे प्रयास के पूर्व ही कोई अन्य व्यक्ति उसमें उतर जाता है। मसीह यीशु ने उससे कहा, उठो, अपना बिछौना उठाओ और चलने फिरने लगो। तुरंत वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और अपना बिछौना उठाकर चला गया। वो शब्बात था, अतः यहूदियों ने स्वस्थ हुए व्यक्ति से कहा, आज शब्बात है, अतः तुम्हारा बिछौना उठाना उचित नहीं है। उसने कहा, जिन्होंने मुझे स्वस्थ किया है उन्हीं ने मुझे आज्ञा दी, अपना बिछौना उठाओ और चलने फिरने लगो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वो जिसने तुमसे कहा है कि अपना बिछौना उठाओ और चलने फिरने लगो? स्वस्थ हुआ व्यक्ति नहीं जानता था कि उसको स्वस्थ करने वाला कौन था, क्योंकि उस समय मसीह यीशु भीड़ में गुम हो गए थे। कुछ समय बाद मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को मंदिर में देख उससे कहा, देखो, तुम स्वस्थ हो गए हो, अब पाप न करना, ऐसा न हो कि तुम्हारा हाल इससे ज्यादा बुरा हो जाए। तब उस व्यक्ति ने आकर यहूदियों को सूचित किया कि जिन्होंने उसे स्वस्थ किया है वो यीशु हैं। शब्बात पर मसीह यीशु द्वारा ये काम किए जाने के कारण यहूदी उनको सताने लगे। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, मेरे पिता अब तक कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। परिणाम स्वरूप यहूदी मसीह यीशु की हत्या के लिए और भी अधिक थन गए, क्योंकि उनके अनुसार मसीह यीशु शब्बात की विधि को तोड़ ही नहीं रहे थे, बल्कि परमेश्वर को अपना पिता कहकर स्वयं को परमेश्वर के तुल्य भी दर्शा रहे थे। मसीह यीशु ने कहा, मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो वो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करते हैं पुत्र भी वही करता है। पिता पुत्र से प्रेम करते हैं और वो पुत्र को अपनी हर एक योजना से परिचित रखते हैं। वो इनसे भी बड़े बड़े काम दिखाएंगे जिन्हें देख तुम चकित हो जाओगे। जिस प्रकार पिता मरे हुओं को जीवित करके जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। पिता किसी का न्याय नहीं करते, न्याय करने का सारा अधिकार उन्होंने पुत्र को सौंप दिया है, जिससे सब लोग पुत्र का वैसा ही आदर करें जैसा पिता का करते हैं। वो व्यक्ति जो पुत्र का आदर नहीं करता पिता का आदर भी नहीं करता जिन्होंने पुत्र को भेजा है,
मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, जो मेरा वचन सुनता और मेरे भेजने वाले में विश्वास करता है अनंत काल का जीवन उसी का है, उसे दोषी नहीं ठहराया जाता, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, वो समय आ रहा है परंतु आ ही गया है जब सारे मृतक परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे और हर एक सुनने वाला जीवन प्राप्त करेगा। जिस प्रकार पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी प्रकार पुत्र में बसा हुआ जीवन पिता के द्वारा दिया गया जीवन है। मनुष्य का पुत्र होने के कारण उसे न्याय करने का अधिकार भी दिया गया है। ये सब सुनकर चकित ना हो, क्योंकि वो समय आ रहा है जब सभी मरे हुए लोग पुत्र की आवाज को सुनेंगे और वे जीवित हो जाएंगे। सुकर्मी जीवन के पुनरुत्थान के लिए और कुकर्मी दंड के पुनरुत्थान के लिए। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, मैं उनसे जैसे निर्देश प्राप्त करता हूँ वैसा ही निर्णय देता हूँ। मेरा निर्णय सच्चा होता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित हूँ। यदि मैं स्वयं अपने ही विषय में गवाही दूं तो मेरी गवाही मान्य नहीं होगी। एक और है जो मेरे गवाह हैं, और मैं जानता हूं कि मेरे विषय में उनकी गवाही अटल है। तुमने योहन के पास अपने लोग भेजे और योहन ने भी सच की ही गवाही दी, परंतु मुझे तो अपने विषय में किसी मनुष्य की गवाही की जरूरत है ही नहीं। ये सब मैं तुम्हारे उद्धार के लिए कह रहा हूं। योहन वो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक थे, जिनके उजाले में तुम्हें कुछ समय तक आनंद मनाना सुख कर लगा। मेरी गवाही योहन की गवाही से अधिक बड़ी है, क्योंकि पिता द्वारा मुझे सौंपे गए काम को पूरा करना ही इस सच्चाई का सबूत है कि पिता ने मुझे भेजा है। इसके अतिरिक्त पिता अर्थात स्वयं मेरे भेजने वाले ने भी मेरे विषय में गवाही दी है। तुमने ना तो कभी उनकी आवाज सुनी है, ना उनका रूप देखा है, और ना ही उनका वचन तुम्हारे हृदय में स्थिर रह सका है, क्योंकि जिसे उन्होंने भेजा है तुम उसमें विश्वास नहीं करते। तुम शास्त्रों का मनन इस विश्वास में करते हो कि उनमें अनंत काल का जीवन बसा है। ये सभी शास्त्र मेरे ही विषय में गवाही देते हैं। ये सब होने पर भी जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। मनुष्य की प्रशंसा मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे मन में है ही नहीं। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते जबकि मैं अपने पिता के नाम में आया हूँ, किंतु यदि कोई अपने ही नाम में आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। तुम मुझ में विश्वास कैसे कर सकते हो यदि तुम एक दूसरे से प्रशंसा की आशा करते हो और उस प्रशंसा के लिए कोई प्रयास नहीं करते जो एकमात्र परमेश्वर से प्राप्त होती है। ये विचार अपने मन से निकाल दो कि पिता के सामने मैं तुम पर आरोप लगाऊंगा। तुम पर दोषारोपण तो मोशे करेंगे, मोशे जिन पर तुमने आशा लगा रखी है। यदि तुम वास्तव में मोशे में विश्वास करते तो मुझ में भी करते, क्योंकि उन्होंने मेरे ही विषय में लिखा है। जब तुम उनके लेखों का ही विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों का विश्वास कैसे करोगे।